सुप्रभात बच्चों, आज क्लास टू का हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। पहला पार्ट है भाषा, तो जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। तो पहले जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो हम अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरों की बातों को समझना ही भाषा है। जैसे हम बोलकर या लिखकर आपको समझाते हैं और आप सुनकर या पढ़कर उसे समझ लेते हैं, यही भाषा है। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। बोलकर अपनी बात कहना और सुनकर समझना यह मौखिक भाषा है। जैसे फ़ोन पर बातें करना, ये क्या है? मौखिक भाषा है। दूसरा है लिखित, लिखकर अपनी बात कहना और पढ़कर समझना यह लिखित भाषा है। जैसे पत्र के द्वारा पत्र लिखना और पत्र से पढ़कर समझना, ये क्या है? लिखित भाषा है। अब हम जानेंगे हमारी भाषा क्या है। तो आप सब जानते हैं कि हमारी भाषा हिंदी है। हिंदी भारत की राज्य भाषा है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जानेंगे कि लिपि, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अलग अलग भाषाओं की लिपियाँ अलग अलग होती है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, देवनागरी में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। जबकि उर्दू और अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है। समझ गए? अब आगे है बोली। बोली किसे कहते हैं? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे पहाड़ी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली आदि ये सब बोलियाँ हैं।